हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी परिवार में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आपका एक्सरसाइज 6 चल रहा है। इस समय 6.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तीन सवाल तक आपने कर लिया है, पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा आपके लिए होमवर्क था, उसको ट्राई करना फिर बताना। चौथा सवाल है, आकृति 6.16 में यदि एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। भैया कह रहा कि आकृति जो दी गई है, ये फिगर, इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई, यानी ये कोण x और ये कोण y दोनों को जोड़ने के बाद में जो आता है वो y प्लस जेड के बराबर आता है, सॉरी w प्लस जेड के बराबर आता है। तो कह रहा कि सिद्ध करो a o b एक रेखा है, मतलब इसको एक रेखा सिद्ध करना, जहाँ मैं हाथ रखा हूँ ऐसे एक रेखा है, लेकिन इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो, बहुत आसान है, वेरी ईजी है। क्लास को एंड तक देखना, बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ। जैसे प्रियंका जुड़ चुकी हैं, आकृति और ध्रुव, उजाला और कौन कौन है भाई, प्रियांशु, तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जाना नहीं कहीं। देखो, गिवन मतलब दिया है, सबसे पहले हमें ये चीज़ तो दिया है, ठीक है, हम सभी जानते हैं, दिया मैंने लिख लिया। दूसरा नंबर, आप एक बात यहाँ पे और देखो, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें, तो हमारा ये कुछ मिला के स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, पूरा पूरा गोला ना, ऐसे बन जाएगा ना। यानी हम कोण x प्लस वाई धन ये w प्लस जेड सब जोड़ के 360 लिख सकते हैं। भाई 360 क्यों होता है? क्योंकि एक संपूर्ण कोण बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होगा, और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इसे हम कर सकते हैं, ये इसका परिमेय है त्रिभुज का, सॉरी एक प्रकार से आप बोलें तो कि किसी भी चतुर्भुज अगर बोले यहाँ पे, तो फिलहाल चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह के कोण कहीं बन रहे हैं, जैसे ऐसे मान लो बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर हम चारों कोण की बात करें, चारों तरफ जो मैंने घुमा दिया है चारों तरफ, तो इनका मान कितना होगा? 360 होगा, 360 से कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसी बेस पे अगर हम चलें, तो हमें पता है कि w प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। तो बच्चा हम ये x प्लस वाई ऐसे लिख दें, और w प्लस जेड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, ऊपर से देखो बोलो, लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, लिख सकते हैं ना भैया। हाँ, अब इनको दोनों जोड़ लो, तो x x जुड़ेगा 2x, y y जुड़ेगा तो 2y इक्वल 360। फाइनल में आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई बराबर 360। आपको यहाँ से एक बात पता चल जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा भैया आपका, नीचे देखो लिख रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल 360 बटा 2, तो यहाँ पे एक मान आएगा x प्लस वाई इक्वल 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश ना, हो गया ना, समझ में आई बात? इसे फट से लिख लो, उसके बाद हम आगे इसमें स्पष्टीकरण लिखाते हैं। ध्यान से देखो, पूरा एंड तक क्लास देखना, बिल्कुल बीच में टेंशन मत लेना, कहीं मत जाना ना, स्किप करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहने वाली बात नहीं है कि मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लो तभी लोगे, ठीक है? तो बच्चा चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है, कोण एक्स धन कोण वाई इक्वल क्या हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, बना रहे ना, और रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर ही बनता है। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, चूंकि कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म बना रहा है, कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहा है, लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, कोण एक्स और कोण वाई एक रैखिक युग्म बना रहा है, अगली लाइन में लिखो, नीचे लिखो, चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर बनता है, रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है। देखो बच्चा, ये कोण y और ये x, ये दोनों मिला करके क्या कर रहे हैं भैया? ये दोनों मिला करके ये और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और चूंकि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे बनता है, यानी सिद्ध हो गया कि AOB एक रेखा है, ठीक है? लिख लो, चूंकि कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और एक लीनियर पेयर एक सीधी रेखा पर ही बनता है, अतः सिद्ध होता है कि ए ओ बी एक रेखा है। नोट कर लो जल्दी से, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप उसे हमें निसंकोच कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको
बड़े बड़े वीडियो मिले एक एक घंटा दो दो घंटा की, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, वीडियो में कमेंट करें, हम आपको एक दिन में एक एक चैप्टर दे देंगे। जैसे 6.1 में 6 सवाल है तो एक ही दिन में सब पढ़ लेना, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर पर संपर्क करके हमारी प्रीमियम क्लास को लेना होगा। बाकी इस तरह के एक दो वीडियो, एक दो क्वेश्चन के वीडियो हर रोज़ आपको मिलते रहेंगे शाम को 7 बजे से। तो PBR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, एक बात और सुन लो, ये आपको प्रीमियम ज्वाइन किए बिना भी यूट्यूब पर सारा क्लास मिल सकता है, बड़ा बड़ा वीडियो मिल सकता है एक एक घंटे दो दो घंटे का, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ोगे PBR स्टडी के साथ। अगर आपको कोई दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है, उनको शेयर करो, भाई 9th की मैथ यहाँ पर पढ़ाई जाती है अच्छे से, आ जाओ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो ईमानदारी से, तो डेली पढ़ोगे अगर तो आपको इस तरह से वीडियो मिलेंगे। लेकिन अभी बहुत कम बच्चे देखते हैं, इस वजह से हम क्लास बहुत छोटी रखते हैं आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद।